जिला कलेक्टर एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा बाड़मेर के निर्देशानुसार बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 10 दिवसीय बुनियादी एवं सेवा प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण के 9वें दिन 48 सेवकों को नागरिक सुरक्षा के मूलभूत तथ्यों की जानकारी देने के साथ ही प्रैक्टिकल डेमो करवाया गया। प्रशिक्षक पवन खत्री ने सेवकों को आग लगने के कारण और आग को बुझाने के विविध तरीकों की जानकारियां दी। जिला कलेक्टर एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा बाड़मेर के निर्देशानुसार 2 मार्च से 12 मार्च तक 10 दिवसीय बुनियादी एवं सेवा प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में 48 अभ्यर्थियों को नागरिक सुरक्षा के मूलभूत तत्वों की जानकारी पार्ट टाइम नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण पवन भूत द्वारा दी जा रही है। नागरिक सुरक्षा बाड़मेर के उप नियंत्रक एवं जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि प्रशिक्षण के अभ्यर्थियों को फर्स्ट एड बॉक्स की सामग्री के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, साथ ही इसके उपयोग एवं रखरखाव की जानकारी को भी विस्तार से समझाया गया। फर्स्ट एड के विभिन्न उपयोगों के बारे में 5-5 के समूह बनाकर प्रायोगिक तौर पर सिखाया गया, जिसमें ओम प्रकाश शारण का सहयोग सराहनीय रहा। इससे पूर्व आगजनी की घटना के समय क्या करें क्या ना करें के बारे में तफसील से जानकारी दी गई। प्रशिक्षक भूत ने बताया कि इस प्रशिक्षण में हवाई हमले आपदा के समय किस प्रकार लोगों और वॉलंटियर को बचाया जा सके इसकी भी जानकारी दी गई। आपदा के समय नागरिकों की सुरक्षा किस तरह की जाए इसके लिए ट्रेनर को तैयार किया जा रहा है। शनिवार को आग लगने के कारण आग बुझाने के विविध तरीकों अग्निशमन यंत्रों के उपयोग के बारे में भी प्रायोगिक तौर पर जानकारी प्रदान की जाएगी। इससे पूर्व 18 फरवरी से 1 मार्च तक 52 अभ्यर्थियों को भी ऐसा प्रशिक्षण दिया जा चुका है।